जय हिंद। आप सभी को शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज के दिन हम भी अपने सारे शिक्षकों को नमन करते हैं जिन्होंने हमें पढ़ा लिखा कर इस काबिल बनाया कि आज हम यहाँ तक हैं। बहुत सारे शिक्षक हमारे बीच हैं और हमारे बहुत सारे शिक्षक और आपके भी शिक्षक जो अब इस दुनिया में नहीं, उनका स्वर्गवास हो गया। हम सबको नमन करते हैं कि किसी भी ज़िंदगी को देखिए, माँ बाप ज़िंदगी दे देते हैं, शिक्षक नहीं देंगे तो फिर वो ज़िंदगी ज़िंदगी नहीं रह जाएगी। फिर आपको वो ज़िंदगी संवारने के लिए एक शिक्षक की ज़रूरत पड़ती है। देखिए, समय और समझदारी दोनों बड़े अलग अलग चीज़ है, दोनों एक साथ नहीं होते हैं। जब समय रहता है तो समझदारी नहीं रहती है, जब समझदारी आती है तो समय निकल जाता है। शिक्षक यही काम करता है कि समय रहते आप में एक समझदारी विकसित कर देता है और आपको यह हुनर सिखाता है कि आप दुनिया को करके दिखाइए, क्योंकि दुनिया सुनना नहीं देखना पसंद करती है कि आपने क्या किया। जिंदगी में कामयाब होने के लिए याद रखिएगा, ये मायने नहीं रखता है कि आपने कितना किया, मायने ये रखता है कि आप कितना कर सकते थे। जब लंका में पुल बनाया जा रहा था पत्थरों को जोड़ जोड़ कर सीता माँ को लाने के लिए, तो बंदरों के साथ साथ गिलहरियाँ भी वहाँ पत्थर भर रही थी, तो इन सब से कितना पत्थर ही उठेगा। एक बंदर आया तो उठा के फेंक दिया गिलहरी को, भाग यहाँ से, तो इतनी इतनी पत्थर बीच में ला रही है। तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम के पास वो जाके गिलहरी गिरी, तो गिलहरी को वो प्यार से सहलाए थे ना, तो ऐसा कहा जाता है कि इस पे जो निशान है गिलहरी के पीठ पे वो राम जी का है। राम जी ने उस बंदर को बुलाया और कहा कि देखो, तुम इतना विशाल पत्थर उठा रहे हो तो तुम्हारा शरीर भी विशाल है, ये गिलहरी इतना बड़ा पत्थर उठा रही है जितना इसकी क्षमता है। तो आप अगर कामयाब होना चाहते हैं तो आप ये मत सोचिए कि आप हमने आज 8 घंटे पढ़ लिए या 8 घंटा मेहनत किए, आप ये सोचिए कि आप कितना कर सकते थे। और देखिए, जो सपने देखते हैं उनके लिए तो पूरी रात छोटी पड़ जाती है और सपने पूरे करने वाले के लिए पूरा दिन छोटा पड़ जाता है। अगर आपके अंदर जिम्मेदारी है ना, तो आप यकीन मानिए आप चैन से सो नहीं पाएंगे। जिम्मेदारी ऐसी चीज होती है जो रातों की नींद छीन लेती है। रात में जगने वाला हर लड़का आशिक नहीं होता। पैसा और समय में तालमेल बिठाना बहुत जरूरी होता है। पैसा कहता है कि तू कुछ करेगा तो हम आएंगे, जबकि लोग गलती करते हैं, लोग कहते हैं कि पैसा आएगा तब हम कुछ करेंगे। ऐसा नहीं है। पैसा कहता है कि तू मुझे आज बचा ले, मैं कल तुझे बचा लूंगा। पैसा बेशक भगवान नहीं है और ना ही आपके साथ ऊपर तक जाएगा, लेकिन पैसा जब तक आपके साथ है ना, तब तक आपको नीचे गिरने नहीं देगा। देखिए, पैसा जीवन में बहुत कुछ है, बहुत कुछ, लेकिन पैसा सब कुछ नहीं है। इंसानियत मायने रखने चाहिए। समय के साथ आप कभी खिलवाड़ मत कीजिएगा। दुख की बात यह है कि समय बहुत कम है, लेकिन सुख की बात यह है कि अभी भी समय है। लेकिन समय के पास इतना समय नहीं है कि आपको दोबारा समय देगा। वक्त नहीं लगाइए आपको यह निर्धारित करने में कि क्या करना है, वरना वक्त निर्धारित कर देगा आपका क्या करना है। हम सब की सबसे पहली जो शिक्षक होती है वो माँ होती है, इसलिए माँ का शिक्षित रहना बहुत जरूरी है। अगर कोई शिक्षित माँ है तो वो कभी भी अपने बच्चे को शिक्षा से दूर नहीं करेगी। मेरा ये हरगिज कहना नहीं है कि जिसकी माँ अशिक्षित है उसका बेटा पढ़ा लिखा नहीं होगा। मेरी माँ आज भी अनपढ़ है, आज भी उससे एक रोटी मांगते हैं ना तो वो 2 रोटी दे देती है। दुनिया की सबसे अच्छा अलार्म जो होता है वो माँ होती है। आप कहिएगा 7 बजे उठाने के लिए, वो आपको 6 बजे ही उठा देगी और कहेगी बेटा 8 बज गया। आपको इस दुनिया में आपको सबसे बेहतरीन ढंग से जानती है कोई तो आपकी माँ। वो और दुनिया से आपको 9 महीने पहले से जान रही होती है। कहा जाता है कि मेरे नसीब में एक भी गम ना होता अगर मेरी तकदीर लिखने का हक मेरी माँ को मिला होता। माँ बचपन से पाल के बड़ी होती है। आइए, यही ना है छोटका, बड़ा होकर क्या बोलेगा, माई वाइफ माई लाइफ। गजब बबुआ गजब, इतना उम्र पर छोड़ दी रहती माई ना, तो कुत्ता नोच के खा गया रहता। बड़ा होकर कहेगा माई वाइफ माई लाइफ। कभी भी माँ बाप से आप ऊंचे आवाज़ में बात नहीं कीजिएगा, वरना आपको शिक्षित कहलाने का कोई अधिकार नहीं है। और बाप जो होता है ना, वो बड़ा खुद्दार इंसान होता है, कभी बोल नहीं पाता है। माँ तो बोल भी देती है ना, बाप बोल नहीं पाता है। जेब खाली रहने के बावजूद मैंने बाप को कभी ना कहते नहीं देखा। इस दुनिया में बाप से रईस इंसान मैंने नहीं देखा। लेकिन इन दोनों को कहते हैं कि आप अपने बच्चे को जी जान से प्यार कीजिए, उसे सोने का निवाला खिलाइए, लेकिन उस पर नज़र रखिए दुश्मन की तरह क्या कर रहा है, वरना एक दिन बिगड़ जाएगा। माँ बाप भी लड़कियों को भेजते हैं हॉस्टल में भेजने पढ़ने के लिए, हॉस्टल जाती है बबनी पढ़ने के लिए, हाथ में घड़ी नहीं, और उधर से जब आती है छुट्टी पे तो 3000 का सोनाटा का घड़ी पहन के। मम्मी पूछती, बबनी घड़ी कहाँ से? तो मेरी सहेली गिफ्ट दी है बर्थडे पे। आपको पता चल रहा है उस सहेली गिफ्ट दे रही है? इतना सहेली का गिफ्ट आ रहा है वहाँ पे। आप नज़र रखिएगा, वरना एक दिन आप ही पछताएंगे। पिता को भी हम ये कहना चाहते हैं कि आपके दिए पैसे से ही आपका लड़का बिगड़ता है। अगर उसे ज़रूरत 8000 की है, आप उसे 15000 देंगे तो जेन्युइन है, एक दिन वो आपका नाम खराब करेगा।
पैसा ही इंसान को ज़्यादा बिगाड़ता है। उसको लिमिटेड दीजिए जितनी उसकी ज़रूरत है, उससे एक्सेस दे दीजिएगा तो वो फिर बिगड़ेगा। और माँ अगर बेटियों पे ज़्यादा नज़र नहीं रखेगी तो फिर वो भी बिगड़ेगा। नज़र रखिए जब तक वो कामयाब नहीं हो जाता है, जब कामयाब हो जाएंगे तो उनके अंदर खुद समझ में आ जाएगी कि क्या मेरे लिए सही है और क्या गलत है। भौतिकवादी इस समाज में भाई भाई में तकरार बढ़ते जा रहा है, ये सबसे गलत है। रावण जैसा शक्तिशाली व्यक्ति हार गया क्योंकि उसके पास उसका भाई नहीं था, और राम जी ने रावण जैसे विशाल लंका के स्वामी को ध्वस्त कर दिया क्योंकि राम जी के पास उनके भाई लक्ष्मण का साथ था। इसलिए आप भाई भाई एक होकर रखिए। बड़े भाई का कुछ कर्तव्य होता है, आपको सबसे ज़्यादा त्याग करना पड़ेगा। बड़े भाई का कहीं पर भी घर में कहीं पर भी पैसे लगेंगे तो ज़्यादा लगेंगे, मेहनत ज़्यादा लगेगा, सब कुछ आपको ज़्यादा करना पड़ेगा, ये दुनिया का दस्तूर है। और छोटा भाई है उसे कभी भी बड़ों का सुनना ही पड़ेगा, और आपको सुनना चाहिए। आपको भी एक बातचीत में एक लिमिट रहना चाहिए, बड़े को भी ये लिमिट रखना चाहिए कि हमें अपने छोटे भाई बहन को कितने लेवल तक डांटना है, लेवल से ज़्यादा नहीं डांटना चाहिए। और छोटे भाइयों और छोटे बहनों को भी याद रखना चाहिए कि हम अपनी ज़ुबान का इतना गलत इस्तेमाल ना करें कि बड़े भाई या माँ बाप को बुरा लगे। वो भले आपको कितना डांटे लेकिन आप अपने आप के लिए एक लेवल बना के रखिए कि ये इतना लेवल के आगे नहीं जाएंगे हम। कुछ लोग भाई अब बड़े भाई माँ बाप का जवाब दे देते, कहते ये करो, कहते नहीं करेंगे, क्या करेंगे, हद है भाई साहब। कोई कुछ नहीं करने वाला इस दुनिया में, मर भी जाओगे तो कौन पूछता है। एक तारा टूट जाने से आसमान सूना नहीं होता, लेकिन संस्कार विहीन व्यक्ति जानवर की तरह होता है। हम बहनों को भी कहना चाहेंगे आप लोग के अंदर शिक्षा बहुत ज़रूरी है। आप कम खाइए लेकिन माँ बाप से कहिए कि हम पढ़ेंगे पढ़ेंगे पढ़ेंगे। शिक्षा बहुत ज़रूरी है, शिक्षा बिना हर चीज़ अधूरा है। और आप जितनी भी लड़कियां हैं उन सबसे कहते हैं अपने अंदर थोड़ा बहुत कुछ सुधार लाइए। अपने आप को कभी दूसरे से कंपैरिजन मत कीजिए कि उसके पास क्या है हमारे पास क्या है। और एक चीज़ लड़कियों में जो सबसे ख़राब चीज़ होता है, आप किसी कोई लड़की गुस्सा है या नहीं है ये चेक करना है तो आप उससे बस एक गिलास पानी मांग लीजिए, उसके पानी देने के स्टाइल से पता चल जाएगा कि गुस्सा है कि नहीं। पानी रख के यहाँ पे भाई क्या मतलब बनता है, आप गुस्सा है ठीक है, सब में होते हैं, जहाँ ज़्यादा रिश्ते रहते हैं वहीं इंसान गुस्सा होता है, लेकिन इसका मतलब ये क्या कि दो दिन आपको मनोबल लगेगा। ये सारी ट्रेडिशनल चीज़ों को बदलिए, ये अच्छी बातें नहीं होती है। लड़कियों लोग को भी थोड़ा सा गंभीर बनिए। होता क्या है कि लोग कहते हैं ना कि एक लड़की को कोई बात अगर कह देंगे ना दूसरे को मत बोलना, वो उसको भी बोलेगी और उसको भी ये बात बोल देगी दूसरे उसको मत बोलना, आप पूरा मोहल्ला को पता चल जाएगा, सबको यही पता रहेगा कि किसी से बोलना नहीं है लेकिन सबको पता चल जाएगा। भाई कुछ गंभीरता लाइए, लड़का लड़की सबको कहते हैं ज़िंदगी के कुछ राज अपने तक ही रहिए, अपने करीबी भी दोस्त को कुछ खास राज को नहीं बताइए, क्योंकि कुछ करीबी दोस्त को भी ना कुछ करीबी दोस्त होते हैं, फिर वो ट्रांसफ़र हो जाएगा आगे तक। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिस चीज़ को आप शेयर नहीं कर सकते, घर की चीज़ें हो गई, बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं। आजकल ना ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ना एक ठो ट्रेंड चल गया, अजब हाल है भाई साहब। एक बात हम आपसे कहना चाहते हैं, मेरे पैसे से अगर आप मोबाइल खरीद लीजिएगा तो अल्टीमेटली इकोनॉमिक्स के हिसाब से उस मोबाइल पर अधिकार किसका होगा, मेरा होगा, क्योंकि पैसा मेरा है। तो आप सोचिए आप बाप के पैसा से अगर लड़की पटाएंगे तो लड़की किसकी होगी इकोनॉमिक्स के हिसाब से, बाप के लिए। तो लड़कियों को भी कहते हैं कि भाई ऐसा लड़का को मत वैल्यू दो जो बाप की कमाई पे तुमको घुमा रहा है। और लड़कों भी कहते हैं जागो, अगर बहुत शौक है ना गर्लफ्रेंड बनाने का तो अपने पैर पे खड़े हो जाओ। जिस दिन पैर पर खड़े होगे ना उस दिन समझ में आएगा ये सब चीज़ें फालतू चीज़ें होती है। कई लड़के बेचारे का दिल टूट जाता है, उनका शरीर एम्बुलेंस की तरह हो गया है, घायल दिल लेके घूम रहे, अरे फालतू ये सब चीज़ें। जीवन में किसी के लिए आंसू मत बहाइएगा, वो आपके आंसुओं के काबिल नहीं होगा, और जो आपके आंसुओं के काबिल होगा वो कभी आपको रोने नहीं देगा। दिल टूट गया गोली यार, प्यार 24 कैरेट का था आपका, उसी की औकात नहीं थी जो खरीद सके। और हस्बैंड वाइफ में भाई साहब हमारे जितने दोस्तों की शादी हुई है ना सब परेशान रहते हैं हस्बैंड वाइफ में, इन दोनों में केवल एक खराबी, दोनों अपने आप को सुप्रीम कोर्ट समझता है। समझिए भाई साहब, आप मिलजुल के रहिए। अभी क्या है कि आप जितने भी स्टूडेंट हैं आप सबका जॉब लगेगा, आप में से सब शादी भी है सबकी होगी भाई, आपका परिवार खुश रहे। लेकिन आप देखिए शादीशुदा इंसान हमेशा परेशान रहता है, ये दोनों हमेशा झगड़ते रहते हैं। समस्या क्या है, वाइफ चाहती है हस्बैंड को समझाएं अपनी बात, और हस्बैंड चाहता है कि हम अपनी बात वाइफ को समझाएं। भाई आप दोनों से कहना चाहते हैं, आप कोशिश करिए ये क्या कहना चाहते हैं इनकी बातों को आप समझ जाइए, और आपसे कहते हैं आप अपनी बात मत थोपिए इसकी बातों को समझिए। होता क्या है, लड़कियों को लगता है कि इनका हस्बैंड बाहर करता क्या है, ऐसे पैसा बरसता है पेड़ पे से हिला के लेके चला। ऐसा नहीं है भाई, बाहर निकलिए फिर समझ में आता है ये कि बाहर जो आपके पिताजी या फिर आपके हस्बैंड या जो भी कमा के लाता है उसको कितना मेहनत होता है। और आदमी लोग को क्या लगता है घर में तो कोई काम ही नहीं है, उठो नाश्ता बनाओ,
अरे भाई साहब झाड़ू लगाने से सही नाश्ता बन तो जरूर जाता है, फिर उससे पहले कितनी तैयारियां करनी रहती है, कहाँ कौन सा सामान है, एक दिन बना के देखिएगा फिर समझ में आ जाएगा, फिर सब लोग खा लिए, फिर उसको साफ करो। सबका अपने अपने चीज जगह काम होता है, कोई दुनिया की हर चीज़ आपस में इंटरकनेक्टेड है, कोई ज़्यादा कोई छोटा नहीं होता। लेकिन आजकल लोगों की मेंटेलिटी क्या हो गई, दीवार की हर एक ईंट ये सोच ली है कि पूरी बिल्डिंग को हम ही रोके हुए हैं। अब बताइए कोई एक ईंट रोका है, पूरी दीवार को, पूरे सब चीज़ ने मिल के इस घर को रोक के रखा है। उसी तरह आपकी फैमिली में सबकी ज़रूरत होती है, आप सबकी भावनाओं को समझिए। अपनी ज़िंदगी में हमने भी बहुत कुछ सीखा है। लोग कहते हैं कि दुनिया गोल है, भाई दुनिया गोल नहीं है, दुनिया मतलब ही है। ये प्यार से नहीं चलती है, मतलब से चलती है। दुनिया में कोई भी रिलेशन बनाने के लिए, कोई रिश्ता जो है ना, उसके लिए तीन चीज का होना जरूरी है, एक डर, जरूरत और इंसानियत। ये तीन चीज ही किसी न किसी रिश्ते को रोक के रखता है। एक टीचर स्टूडेंट में रिलेशन होता है, उसको डर है कि टीचर के पास पढ़ेंगे ना जल्दी रिजल्ट होगा, अपने से पढ़ेंगे थोड़ा लेट हो सकता है, जरूरत भी है उसे कामयाब होने के लिए। और इंसानियत तो बहुत है भाई, टीचर और स्टूडेंट का रिश्ता जो हमेशा जो बना रहता है वो तो इंसानियत के लिए बना रहता है। वरना अगर आपकी नौकरी हो गई तो आपका डर खत्म, जरूरत खत्म, तो आगे रिश्ता कौन रोक के रखता है, इंसानियत। तो दुनिया में किसी रिलेशन को बनाने के लिए तीन चीज का होना जरूरी है, इंसानियत जिसमें सबसे बड़ी चीज होती है। और इस दुनिया में ना, इस दुनिया में बहुत सी भाषाएं बोली जाती है, इन सारी भाषाओं में सबसे मीठी भाषा होती है मतलब की भाषा। अगर आपसे कोई बहुत मीठा बोलने लगा ना, समझ जाइए कि कहीं ना कहीं मतलब छुपा है, मतलब की भाषा बहुत होगी यहाँ पे। लेकिन ये जुबान जो है ना आजकल बहुत खतरनाक हो गया। कभी कभी देखते होंगे कुछ लोग आपकी आपके गलत बात का भी जवाब नहीं दे पाते हैं। तो जवाब देने भाई साहब सबको आता है, बीच में माँ बाप का संस्कार चला आता है, और संस्कार बहुत चीज़ होती है। संस्कार यदि आपके अंदर है तो सब कुछ हारने के बावजूद भी आप जीत सकते हैं, और अगर संस्कार के जगह अहंकार आ गया ना तो जीता हुआ भी चीज़ों को हार सकते हैं। कमज़ोर व्यक्ति ही दूसरे काम का बदला लेता है, लेकिन जो ताकतवर होता है वो माफ़ कर देता है, लेकिन जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो इग्नोर कर देता है, नज़रअंदाज कर देता है और बच के निकल जाता है। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति आपको पहली बार धोखा दिया तो इसमें उस व्यक्ति का गलती है, लेकिन वही व्यक्ति अगर दोबारा धोखा दिया तो इसमें आपकी गलती है। सबसे समझदार होकर चलिए, और मिजाज में कुछ सख्ती भी रखिए। लोग पी जाते अगर समंदर खारा नहीं होता, तो थोड़ा सा सख्ती भी बना के रखना चाहिए। इस दुनिया के कुछ दस्तूर हैं, आप किसी के लिए कितनी भी भलाई कर दे वो याद नहीं रखेगा, ये दुनिया का दस्तूर है। और आपकी गलती को कोई भूलेगा भी नहीं, इसे आप बुरा नहीं मानिए, ये दुनिया का दस्तूर है, इसे आप चेंज नहीं कर सकते। जैसे सूरज पूरब से निकलता है वैसे ही ये चीज़ें होंगी। लेकिन हम आपसे कहते हैं, आप दुनिया में आज कई लोग होते हैं दूसरे को लगते हैं सिखाने, आप क्यों दूसरे को बार बार ज्ञान देने लगते हैं, आप अपने आप को क्यों ज्ञानी समझने लगते हैं? दूसरे को सुधारने की कोशिश मत कीजिए, बल्कि खुद सुधरिए। आपके सुधरने से हो सके कि पृथ्वी से एक बुरा इंसान सुधर जाए। आप समाज में जहां भी रहेंगे तो आपके पास बहुत सारे लोग आएंगे, कुछ गलतियां भी करेंगे, कुछ अच्छा काम भी करेंगे। जब भी किसी की प्रशंसा कीजिए तो पूरी महफिल में कीजिए कि ये व्यक्ति ने अच्छा काम किया। लेकिन अगर किसी की शिकायत या उसकी आलोचना करना है, उसे डांटना है, तो उसे अकेले में समझाइए, और डांटने के बाद उसमें इस तरह से कर दीजिए, उसमें प्रशंसा मिला दीजिए। कोई गलती कर दिया, मान लीजिए आपका छोटा भाई नहीं पढ़ाई किया, गलत कम नंबर लाया, तो उसे डांटिए कि, लेकिन अकेले में डांटिए कि इतना कम नंबर क्यों लाया। फिर उसे एक उसी में एक पॉजिटिवनेस जोड़ दीजिए, तुम्हारे में इतना मेहनत है, हम इसलिए डांट रहे हैं कि तुम कर सकते थे लेकिन क्यों नहीं किए। मतलब आप केवल इसे निगेटिव मत बोलते रहिए। और किसी भी रिश्ते को अगर बिगाड़ना है ना, चाहे कितना भी गहरा रिश्ता क्यों ना हो, उसकी कमियों को डेली कोंचते रहिए, तुम ये किया, तुम ये किया, तुम ये किया, यार दुनिया का कोई रिश्ता चौपट हो जाएगा। गलतियाँ सबसे हो जाती हैं, लेकिन दोबारा गलती नहीं होना चाहिए। जब भी किसी की आलोचना करिए तो उसमें एक छोटी सी प्रशंसा जोड़कर ही उस आलोचना को ख़त्म कीजिए, कि शुरुआत तो डांटने से किए थे, बाद में उसका हौसला बढ़ा के हंसी मजाक में उसे निकाल दीजिए, बीच बीच में उसे फिर एहसास दिलाइए, लेकिन बार बार कमियों को नहीं गिनाना चाहिए। महाभारत देखिएगा, महाभारत में जो कृष्ण भगवान थे वो कौरवों के बीच गए, संदेशा लेके, आखिरी संदेशा, वहां पे भी उनकी भाषा देखिएगा। आप महाभारत अगर सीरीज देखिए तो भाषा देखिएगा, दुश्मन से भी इस तरह से बात कर रहे थे जैसे लगता था गुरु जी से बात कर रहे हैं, ये भाषा की मर्यादा। लेकिन आज ये वही श्याम की धरती है, ये वही पुरुषोत्तम राम की धरती है, जहां लोग तहजीब भूल गए कि यही का बात करना कैसा चाहिए। ये वही पुरुषोत्तम राम थे जिनके अपने भाई लक्ष्मण जी को जब शिक्षा लेनी थी ना, तो रावण के पैताने बैठे थे कि ये शिक्षा लेना है तो उसके पास झुकना पड़ेगा यहाँ पर। लेकिन आज हम लोग भूल गए हैं कि हमें बात कैसे, बात में तो इतना आजकल वो तहजीब ही नहीं रह गया है कि इतना रफ बोल दो कि दुश्मन किसी से पूछो, एक लड़का पूछा तुम्हारा क्या हाल है, तू कर रहा है खराब है ठीक कर दोगे, जब हाल है भाई। आप सबकी जिंदगी में कुछ कठिनाइयाँ आएंगी, ठोकरें लगेंगे, लेकिन ठोकर खा के संभलना भी जरूरी है।
ठोकरे खाकर भी न संभला तो ये मुसाफिर का नसीब, राह के पत्थर तो अपना फर्ज अदा कर चुके। और कभी भी मुश्किलों से घबराइएगा नहीं। कोको कोला जब कंपनी जब स्थापना हुई थी तो एक साल में केवल इसके 25 बोतल बिके थे। कंपनी का दिमाग हिल गया था। लेकिन आज के समय में दुनिया में हर जगह कोको कोला बिकता है और इसने तो फिजिक्स को उल्टा कर दिया। लोग कहते हैं ठंडा मतलब तो कोको कोला, भाई साहब ठंडा मतलब वो होता है जिसका टेम्परेचर कम हो। लेकिन इतना बिका कि इसके आगे लोग भूल गए कि ठंडा मतलब कोको कोला नहीं होता, ठंडा मतलब वह चीज जिसका टेम्परेचर कम है। इसलिए परेशानियों से कभी मत घबराइएगा। आगे बढ़ने के लिए तकलीफ का होना जरूरी है, क्योंकि छांव आते ही इंसान के कदम रुक जाते हैं और धूप में कभी कदम नहीं रुकते हैं। ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ आपको किताबें और यूनिवर्सिटी में ही पढ़ाया जाएगा। बहुत से चीज़ें हैं जो आपकी खाली पेट और खाली जेब सिखाएगी, जो आपको कोई टीचर नहीं सिखाएगा। कहते हैं जरा सी छेद क्या हो गई मेरे जेब में, सिक्कों से ज़्यादा तो मेरे रिश्तेदार गिर गए। लाइफ में सबका स्ट्रगल होता है। हम लोग के भी लाइफ में बहुत बहुत तकलीफें आई थी। ज़िंदगी में इतने तकलीफ देखे कि अब अगर तकलीफ नहीं होता है तो तकलीफ होता है। ज़िंदगी ने उस मुकाम पर लाकर छोड़ा है जहाँ पसंद तो बहुत कुछ है लेकिन चाहिए कुछ भी नहीं। लोग कहते हैं कि खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाओगे, गलत बोलते हैं। लोग भले खाली हाथ आते हैं लेकिन जब जाते हैं तो अपने साथ कुछ संस्कार, कुछ यादें छोड़ जाते हैं। APJ अब्दुल कलाम खाली हाथ तो आए थे, क्या खाली हाथ गए? हमारे जितने देश के लोग हैं उन देशवासियों के लिए एक प्रेरणा के स्रोत बन गए। लेकिन अगर आप खाली हाथ आते हैं और खाली हाथ चले जाते हैं तो आपका पुरुष योनि में जन्म लेने का कोई अर्थ ही नहीं बना। अपनी मंजिल को भुला कर जिया तो क्या जिया, है दम तुझ में तो उसे पा कर दिखा। लिख दे खून से अपनी कामयाबी की कहानी और बोल उस किस्मत को कि है दम तो मिटा के दिखा। इसलिए कभी किस्मत को मत कोसिएगा, अपने हौसले से अपनी कहानी लिखिएगा। पसीने की स्याही से जो लिखते हैं अपने हौसले के इरादे, उनके मुकद्दर के पन्ने कभी कोरे नहीं होते। देखिए शिक्षक और सड़क ऐसी चीज है जो खुद तो अपने जगह पे रहती है और दूसरों को मंजिल तक पहुंचा देती है। इस शिक्षक दिवस बड़ा अजीब सा शिक्षक दिवस रहा। आज शिक्षक दिवस में सुबह 11 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक जो हम लोग का प्रोटेस्ट था या फिर ट्विटर पर जो भी रहा, उसका कई ज्यादा फायदे भी हुए थे। लेकिन ये जब कब तक चलेगा? ये संस्थाएं अपने से क्यों नहीं सुधरेगी? आखिर इस देश के साथ ऐसा क्यों हो रहा है कि जब हम शिक्षकों को, हर एक शिक्षक, कोई ऐसा शिक्षक नहीं है जो नहीं आया हो, लगभग हर एक शिक्षक, हर एक स्टूडेंट इस प्रोटेस्ट में भाग लिए। ये डिजिटल जो प्रोटेस्ट था ये भी सफल रहा। इसके बदौलत हुआ SSC ने कहा कि हम अपना रिजल्ट शो करेंगे, रेलवे ने, NTPC ने कहा कि हम भी अब एग्जाम लेंगे, लास्ट में इस साल के लास्ट तक में हुआ। लेकिन ये अब तक कहां सोए थे? अगर युवा इस देश का नहीं जागा रहता तो आप सोए रहते। युवाओं आप जागो, जितने स्टूडेंट हैं आप जागो। आपको हम बताए भी थे, हमेशा बोलते हैं अधिकार कभी मांगने से नहीं मिला, इसे छीनना पड़ेगा। और धन्यवाद देते हैं हम लोग ये जो व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, ये सब जो आए ताकि सरकार जो थी यहाँ तक बात अब इजीली पहुँच जाती है। नहीं तो वही हो जाता। मध्य प्रदेश में बेचारे भोपाल में लड़कों पर लाठीचार्ज कर दिया गया, यहाँ पर पुलिस वाले लाठीचार्ज कर दिए। याद रखना लाठीचार्ज करने वाले पुलिस वालों, एक दिन आएगा जब आपके बच्चे भी ना ऐसे ही सड़क पर लाठी खाएंगे नौकरी के लिए। फिर आपको याद आएगी कि जब युवाओं ने अपना अधिकार मांगने आया था तो आपने किस तरह उन पर लाठियां बरसाई थी। आप देखेंगे स्टूडेंट्स के साथ एकदम खिलवाड़ मचा के रख दिया गया। स्पेशली 2016-17 के बाद देखेंगे तो हर एक संस्था चौपट हो गई। SSC जो थी 2016 तक तो बहुत बेहतरीन काम की, 17 तक भी बहुत बेहतरीन काम की, उसके बाद तो चौपट हो गया यहाँ पर। चाहे वो रेलवे हो, IBPS हो, कोई संस्था हो, UP में देख लीजिएगा तो PCS का देख लीजिए, सबऑर्डिनेट का देख लीजिए, लेखापाल देखिए, पुलिस डिपार्टमेंट, दरोगा की वाली, सब चौपट है। मध्य प्रदेश वाले आप लोगों ने तो और काम किया कि भाई बाहर के लोग मध्य प्रदेश का फॉर्म नहीं भर पाएंगे। मध्य प्रदेश के लड़के, ये आप सोचिए आपके साथ एक तरह का एक अपराध किया जा रहा है, आपको दूसरे लड़कों से अलग किया जा रहा है। इस समय भोपाल में जब लाठी चार्ज हुई स्टूडेंट के ऊपर, पूरे हिंदुस्तान के टीचर और स्टूडेंट आपके साथ खड़े थे। लेकिन आपकी गवर्नमेंट क्या चाहती है कि एक ऐसा नियम बनाए कि बाहर का लड़का मध्य प्रदेश में आके फॉर्म नहीं भरेगा, कि जब हम इन्हें पीटेंगे, कूचेंगे, नौकरी नहीं देंगे तो बाहर का कोई भी व्यक्ति आपके साथ आवाज नहीं उठाएगा। ये आपको एकदम बेहतरीन ढंग से फंसाया जा रहा है। आप कोई भी गवर्नमेंट उठाइए, किसी भी पार्टी की गवर्नमेंट उठाइए, आप राजस्थान, मध्य प्रदेश, UP, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, इतने दूर में आपको कई पार्टियां मिल जाएंगी। केंद्र में भी देख लिए, कहीं भी किसी को स्टूडेंट से कोई मतलब नहीं रहता है। 60 मिनट में 100 क्वेश्चन बनाने वाले विद्यार्थियों के भविष्य को ये अनपढ़
दर्पण नेता कुचल के चले जाते हैं। बिहार में जो वैकेंसी निकाली गई 2015 के चुनाव के लिए, तो एक बार वैकेंसी निकालेंगे हम चुनाव जीतने के लिए, अब जीत जाएंगे तो अगला चुनाव उसी हिसाब से जीत जाएंगे कि भैया अब हम इसका एग्जाम लेने वाले हैं। बहुत से लोगों को तो पता है, कई एक लड़का कह रहा था कि सर आपका हम वीडियो देखे तब पता चला कि अभी रेलवे का एग्जाम नहीं हुआ है, हमको लगा कि हो गया है। सोचिए ये हाल हो गया कि उसको लगा कि उस गलती से उसका छूट गया, रेलवे तो अब तक एग्जाम ले ही ली होगी, अब जागी है नींद से। स्टूडेंट्स को कहते हैं आप ये जो लड़ाई चालू कर दिए हैं इससे आप पीछे मत हटिएगा, लोग आपको कुछ भी कहेंगे आप टस से मस होइएगा, आप सीधा कहिए हमें पढ़े हैं तो हमें जॉब चाहिए, अगर हमको किराने की दुकान खोलनी रहती या हमें अपने पैर पर खड़ा रहना पड़ता तो खामखा में ना लड़का बीएससी एमएससी या पीएचडी करके घूम रहा है, किराना की दुकान खोलने के लिए तो नॉर्मल वो इंटर मैट्रिक करके बैठ जाता, वहाँ दुकान अच्छा चला लेता। बहुत से तो ऐसे अनपढ़ लोग हैं जो कभी कॉलेज नहीं गए लेकिन उनकी किराने की दुकान फर्स्ट क्लास चलती है, तो ये बात पहले ना बोलना चाहिए था। अब एक अगर पढ़े लिखे नेता रहते तो उन्हें पता होता है कि एक बेरोजगारी कई टाइप की होती है, जिसमें एक होती है शिक्षित बेरोजगारी। जब किसी शिक्षित व्यक्ति को उसके लेवल का जॉब नहीं दीजिएगा तो वो अच्छे से काम नहीं कर पाता है। अब हम लोग हैं ग्रेजुएट लड़कों को पढ़ाने के लिए, हमको दे दीजिए क्लास 7 के लड़का को पढ़ाने के लिए, मन लगेगा कभी अपने आप में ही अजीब लगेगा कि भैया हमको उठा के यहाँ ले आकर पढ़ाने को दे दिया, तो अब कहेंगे कि नहीं रोजगार तो मिला, ये कौन सा रोजगार है, ये तो शिक्षित बेरोजगारी ले आकर रख दी यहाँ पर। तो आप अपनी लड़ते रहिए, हर एक टीचर आपके साथ है। हम तो धन्यवाद देते हैं दिल्ली के सभी टीचरों को, राजस्थान मध्य प्रदेश हर जगह के शिक्षकों को, हम बिहार यूपी हर जगह के शिक्षकों को हाथ जोड़ के भी हम धन्यवाद देते हैं कि आपने स्टूडेंट ये सारे टीचर्स स्टूडेंट मिलके इस मुहिम को लगभग ये मुहिम अपने सफलता की ओर बढ़ रही है, लेकिन पाँव मत रोकिएगा वरना आपको कुचल दिया जाएगा। एक टीचर का हमारे पास फोन आया, बड़ा खुशी हुआ, वो कहें कि सर हम यूट्यूब पर नहीं पढ़ाते थे, हम आज ही यूट्यूब चैनल बनाए हैं केवल इसलिए कि अपना प्रोटेस्ट दिखा सके कि हम स्टूडेंट के साथ हैं। सोचिए इतने ऐसे ऐसे टीचर भी आपके साथ हैं, और कुछ तो मिलियन वाले सब्सक्राइबर वाले टीचर हैं जिन्होंने अब तक कुछ नहीं बोला है। तो खैर कोई बात नहीं, ये जब एग्जाम आएगी ना तो ये टीचर आएंगे आपके पास कहने कि इनका बैच परचेज करिए, इन्हें सब्सक्राइब कीजिए, फिर आप मत भूलिएगा कि कौन आपके साथ खड़ा था, कौन आपके साथ छोड़ कर गया था। 5 सितंबर को ऐप लॉन्च करना था, इसलिए ऐप को रोक लिया गया। आज कई लड़कों ने ऐप को इनरोल भी कर लिए हैं, उनका डाटा है हमारे पास, आप टेंशन नहीं लेंगे। एक्चुअली अच्छा नहीं लगा कि आज सारे टीचर स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं, भोपाल में स्टूडेंट के ऊपर लाठी चार्ज किया जा रहा है और आज किसी ऐप का इनोग्रेशन किया जाए, तो ये अच्छा नहीं था, इसलिए उसको रोक लिया गया। जिन लड़कों का इनरोलमेंट हो गया उन्हें नहीं दिख रहा होगा ऐप पर कि सर ने मतलब सब्जेक्ट वगैरह नहीं दिख रहे होंगे, आप टेंशन नहीं लीजिएगा, वो इसलिए रोक दिए कि आज का दिन भले शिक्षक दिवस हर साल अच्छे से मनाते थे, इस बार का जो शिक्षक दिवस रहा वो विरोध प्रदर्शन को दिखाने के लिए रहा, और आप स्टूडेंट्स के बदौलत ही हम लोग ये लड़ाई जीतने के कगार पर हैं। देखिए ऐप पर सबसे पहले पॉलिटी का क्लास स्टार्ट होना था, उसे हम रोक दिए, लेकिन पॉलिटी का जो फर्स्ट चैप्टर होता है उसे यूट्यूब पर डाल दिए, आप वहां से पढ़ाई को कंटिन्यू करेंगे और जैसे ऐप आएगा तो आप लोग दोनों से मर्ज हो जाएंगे उस चीज को। अभी सरकार से एक दो दिन में और सारी बातें मनवा लेते हैं, फिर हम लोग उसके बाद जब बातें मान ली जाएंगी तो हम लोग रेगुलर वे में पढ़ते रहेंगे, आपको यूट्यूब पर आपका चैप्टर वाइज क्लास हम प्रोवाइड करते रहेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।